प्रतिपक्ष नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे करनाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर के घर उनकी माता के निधन के बाद उनके घर शोक व्यक्त करने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। राइस मिल्स घोटाले मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई। करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। प्रदेश में राइस सेलरों पर हुई छापामार कार्रवाई पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसान बर्बादी के कगार पर हैं, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भूपेंद्र सिंह राठौर की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है, उनके पीछे आया था, सारे परिवार का जो नुकसान हुआ है, हिम्मत दे भगवान। और हमारे पुराने दोस्त हैं राठौर साहब, बाकी जिसको ऊपर वाले ने जितना लिखा उतना नहीं, लेकिन पूरी इन्होंने कोशिश की और सर्जरी के टाइम ही वो स्वर्गवास से तारी। छोटा जी, सेशन में आपने धान घोटाला उठाया था, मामला उठाया था, फिर बाद में अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी उठाया गया। पूरे प्रदेश में जो है राइस सेलर्स पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, हुई चार दिन पहले, लेकिन अब फिर ठंडे बस्ते में मामला कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो मैंने पहले कहा कि इसकी बाकायदा सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो धान की खरीद जिस प्रकार से हुई है, आढ़तियों से जबरदस्ती उठवा दिया गया, उन्होंने राइस मिल में भेज दिया गया और किसान अपनी पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये बड़ा भारी वो है। और किसान को मजबूरन मतलब बहुत सस्ता धान बेचना पड़ा है, तो ये शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पे कोई इस किस्म के कदम नहीं उठाए गए जो किसान के हित की बात हो। पराली पे भी वहाँ पर 1,000 रुपया प्रति एकड़ पंजाब ये हरियाणा ने कहा है, वो 2,500 रुपये एकड़ दे रहे पंजाब वाले, कोई अलग किसान थोड़ा ही है हुआ यहाँ के। तो इस वास्ते इनको पूरा सही जो है फैसला लेना चाहिए। किसान आज बड़ी भारी समस्या में है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। गृह मंत्री है कि अभी भी कुछ विधायक जेजेपी के आपके संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में, सरकार चलेगी, मेरी शुभकामनाएं हैं।